Welcome back, class 2. So I hope you all are safe and you are staying at home. So today we are going to continue with our maths labels. So take out your maths book and come to page number 12. So students, today we are going to study about extended form and short forms. तो बच्चों पहले मैं आपको समझाऊंगी एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है. तो बच्चों एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब किसी भी नंबर को आप एक्सटेंड करके लिखते हैं. एक्सटेंड मतलब बढ़ा कर लिखते हैं. कैसे? तो इसमें है जैसे फॉर एग्जांपल 7373 है ना बच्चों. तो इसमें इसका एक्सटेंडेड फॉर्म इन्होंने लिखा हुआ है 7070+3. यानी इन्होंने जो टेंस है वो अलग लिखा है, वंस जो है वो अलग लिखा है. क्या मतलब हुआ? जो ये 3 है बच्चों वो है वंस की प्लेस पे और ये जो 7 है ये है टेंस की प्लेस में. तो इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे होता है? 7 tens 3 ones. यानी जो 70 का 7 है वो हो गया टेंस की उसमें और जो 3 है वो हो गया बच्चों वंस की प्लेस में. तो ये बन गया 7 tens + 3 ones. ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट. ये है 6666. तो बच्चों 66 किसको मिला के बनता है? बनता है 6060+6. 60 और 6 को मिलाएंगे बच्चों तो बनेगा 66. और टेंस की प्लेस में कौन सा नंबर है इन दोनों में से बच्चों? 6. वेरी गुड. और वंस की में 6 क्योंकि ये 66 है. तो यहाँ पर आ जाएगा 60+6=6 tens + 6 ones. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे 9797. अब 97 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम? 9090+7. 90 और 7 को मिला देंगे तो वो 97 हो जाएगा बच्चों. तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? टेंस की प्लेस में क्या है बच्चों यहाँ पे? 9. वेरी गुड. और वंस की प्लेस में बच्चों यहाँ पे क्या है? 7. तो 9 tens 7 ones मिला के बनता है 97. अब बच्चों ये जो 2 8 28 3 9 39 8 5 85 9 9 99 ये चारों आप खुद से बुक में करेंगे. ठीक है बच्चों, और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अब आ जाते हैं हम राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म्स. अब बच्चों अभी हमने यहाँ पे एक नंबर से उसको एक्सपेंड करके लिखा है. अब इस वाले में हमें एक्सपेंडेड वाला गिवन है और उसको हमें शॉर्ट में लिखना है. तो आइए समझते हैं कैसे. अब यहाँ लिखा है 5 tens + 6 ones. यानी टेंस के प्लेस पे 5 है तो टेंस के प्लेस पे 5 का क्या मतलब होता है? ये बन गया 50 बच्चों. ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आया? जितना भी टेंस की प्लेस में लिखा होता है उतना वो बन जाता है. जैसे यहाँ पे अगर 2 लिखा होता तो ये बन जाता 20. यहाँ पे अगर 8 लिखा होता तो ये बन जाता 80. ठीक है बच्चों, अब वंस पे देखते हैं कितना है. 6 ones. यानी अगर हमारे पास ये 5 है तो ये बना 50 और यहाँ पे हमारे पास 6 है तो ये बना 50+6. और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए बच्चों, यहाँ यही लिखा है 5050+6=56. आप ये बात समझ रहे हैं ना बच्चों? यहाँ पर हमने लिखा टेंस में क्या बनता है. तो 5 tens का मतलब होता है 5050. 6 ones का मतलब होता है 6. ठीक है, और यहाँ पे उसको मिला के बन जाएगा 56. अब नेक्स्ट वाला देखेंगे. यहाँ पे है टेंस की प्लेस पे है 6. यानी ये कितना बना बच्चों? 6060. वेरी गुड. और वंस की प्लेस पे क्या है? 9. तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 6060 और यहाँ पे लिखेंगे 9. तो 60+9 बनता है बच्चों 69. वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट है यहाँ पे टेंस की प्लेस में है 4 और वंस की प्लेस में भी है 4. तो टेंस की प्लेस में 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 4040. और यहाँ पे वंस की प्लेस पे 4 तो ये बन जाएगा 44 बच्चों. अब हम देखेंगे यहाँ पे है टेंस की प्लेस पे बच्चों 7, वंस की प्लेस पे 2. यानी 7 की टेंस की प्लेस में 7 है तो मतलब क्या बना? 7070.
और वंस की प्लेस में क्या था बच्चों, टू, तो 70 + 2 = 7 × 72। आपको ये बात समझ आई ना बच्चों ये कैसे करना है। तो अब ये नेक्स्ट जो 3 है यानी कि 3 10s + 7 1s, 2 10s + 9 1s, 1 10 + 1 1, तो इसमें बच्चों आपको ये खुद से फिल करना है और ये होमवर्क आप अपने बुक में करेंगे और हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स काइंडली हेल्प योर किड्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो हेल्प देम टू कम्प्लीट देयर होमवर्क इन द बुक इटसेल्फ। हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और होमवर्क कम्प्लीट करें। थैंक यू।